ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नेम याओशी है और वो किसी डॉन से कम नहीं। वहीं उसके पंडे एक अंकल को किडनैप करके याओशी के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया है। फिर वो उसे धक्का देकर घुटनों के बल बिठा देते हैं। शिन कहता है कि याओशी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुन याओशी उठकर कहती है कि तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन क्यों? शिन कहता है कि मुझे डराने के बजाय एक ही दफा मार दो। तो याओशी कहती है कि तुमने एंटी वैंग के फ्रूट चुराए हैं और मरना इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। शिन कहता है कि तुम ही बता दो कि तुम मुझे क्या सजा दोगी। तो याओशी कहती है कि तुम एंटी वैंग के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो और कहो कि सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ़ कर दें। नेक्स्ट डे शिन एंटी वैंग के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन एंटी वैंग उसे डांट लगा देती है। वहीं पास बैठे याओशी और उसके दो साथी लूजू और मूजू बैठकर वाटरमेलन खा रहे होते हैं। लुजू कहता है कि अब एंटी वैंग अपना काम आराम से कर सकती हैं और उस बूढ़े की वजह से अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुजू कहता है कि एंटी वैंग हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, अब कोई भी उन्हें तंग नहीं कर पाएगा। और आज के बाद छोटे मोटे डॉन भी इस एरिया में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। याओशी कहती है कि हम उस बूढ़े के दुश्मन नहीं हैं, बस अगर वो गलत काम नहीं करेंगे तो कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। तभी दो बंदे एंटी वैंग के स्टॉल पर घिर पड़ते हैं जिससे सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं। ये देख याओशी गुस्से से लाल हो जाती है और पूछती है कि ये किसने किया। तभी वहाँ एक हैंडसम लड़का आता है, ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर जिनसू। उसे देख लुजू कहता है कि वाओ ये कितना हैंडसम है। तो याओशी कहती है कि कोई हैंडसम नहीं, तुम चुप रहो, इसने किसी दूसरे के फ्रूट्स खराब कर दिए हैं और आगे से माफ़ी भी नहीं मांग रहा। ये बोलकर वो गुस्से में जिनसू के पास जाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उन दोनों लड़कों के साथ क्या मसला है, लेकिन अगर तुमने इन फ्रूट्स को ख़राब कर दिया है तो तुम्हें इनके पैसे भरने होंगे। ये बोलकर हाथ आगे करके उससे पैसे मांगती है। तो जिनसू कहता है कि छोटी बच्ची अभी तुम साइड हो जाओ। ये सुन याओशी गुस्से में हंस पड़ती है और कहती है कि क्या छोटी बच्ची? फिर लुजू और मूजू से कहती है कि ज़रा बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। तो मूजू कहता है कि ये इस एरिया की डॉन है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, उन्हें देख लुजू याओशी से कहता है कि बॉस हमें पहले यहाँ से जाना होगा। याओशी जिनसू के पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग डंडा हाथ में लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये देख याओशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूंगी। तभी लुजू और मूजू से पकड़ कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। याओशी चिल्ला कर कहती है कि छोड़ो मुझे, मुझे इसे दिखाना है कि मैं कौन हूँ, लेकिन लुजू और मूजू से वहाँ से ले जाते हैं। जिनसू उन गुंडों के पास जाता है, सारे गुंडे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो उन्हें मार कर वहाँ से भाग आता है और छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है। वहीं याओशी भी होती है, वो उसे दीवार के पीछे छुपा देती है और कहती है कि काफ़ी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लगता है तुमने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जिनसू उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ वही गुंडे आ रहे होते हैं। याओशी उसे इशारा करती है जाकर बॉक्स में छुप जाओ। जिनसू उसे मना करता है। याओशी फिर से कहती है कि बस यही रास्ता बचा है बचने का। जिनसू याओशी की बात मान लेता है और वो दोनों बॉक्स में छुप जाते हैं। याओशी कुछ कहने लगती है तो जिनसू चुप होने का इशारा करता है। फिर याओशी इशारे से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों छुपाया? तो जिनसू कहता है कि मैं तुम्हें उन लोगों के आश्रय पर नहीं छोड़ सकता था। जगह तंग होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिनसू याओशी को कुछ पैसे देकर सॉरी कहता है। याओशी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जिनसू ज़बरदस्ती वो पैसे उसे पकड़ा कर वहाँ से जा रहा होता है। तो याओशी हैरान होकर कहती है कि इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो एक नहीं सुनता और चला जाता है। याओशी सोचती है कि आजकल के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने घर जाकर खाना नहीं बनाया, अगर लेट हो गई तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। जैसे ही वो घर आती है तो उसका डैड उससे कहता है कि ये क्या टाइम है घर आने का, क्या तुम मुझे भूख से मारना चाहती हो?
याओशी कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सच में मर जाओ। ये बोलकर वो घर से बाहर आती है। तभी उसका डैड उसकी तरफ बोतल फेंकता है और कहता है कि दोबारा वापस मत आना, अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। याओशी रोते हुए कहती है कि मुझे आपसे नफरत है और वहाँ से भागकर अपनी बहन शीशी के पास जाती है। उसे उदास देख शीशी उससे पूछती है कि क्या डैड ने तुम्हें फिर से मारा। याओशी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, छोड़ो ये सब, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो शीशी कहती है कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद है। याओशी कहती है कि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, चलो अब इसे खोलो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट है। फिर वो शीशी के फेस पर सीरम लगाने के बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूँ, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। तो शीशी कहती है कि नोटी गर्ल थोड़ा सा सब्र करो, मेरे ऑफ होते ही साथ घर चलेंगे। तो याओशी उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जब याओशी हैंड वॉश करके वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि शीशी और डैड मिस्टर हान से रूम के बाहर मिल रहे हैं। डैड शीशी की तरफ देखकर कहते हैं कि ये देखो उसे, क्या ये खूबसूरत नहीं है। शीशी काफ़ी डरी हुई होती है तो मिस्टर हान कहता है कि हाँ मुझे ये पसंद आई। ये सुन डैड खुशी से कहता है कि क्या सच में। याओशी सोच रही होती है कि डैड शीशी के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वो देखती है कि मिस्टर हान रूम में चले जाते हैं तो डैड शीशी को ज़बरदस्ती रूम में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। याओशी फौरन दरवाजे के पास जाकर मिरर से झांक कर देखती है और उनकी बातें सुनने लगती है। डैड मिस्टर हान से कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ब्यूटीफुल है। तो शीशी कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो, क्या आप पागल हो गए हो। तभी मिस्टर हान मुड़ता है और बोतल उठाकर डैड के सर पर दे मारता है। डैड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। याओशी ये देख डर जाती है, थोड़ी बहुत हिम्मत करके वो फिर से देखने लगती है तो मिस्टर हान शीशी को भी मार रहे होते हैं और कहते हैं कि भले ही मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं कोई कंप्यूटर नहीं जो तुम लोगों के लिए पैसे छापता रहूं और देता रहूं। तभी मिस्टर हान की नज़र याओशी में पड़ती है। जब वो उसे देखता है तो याओशी वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हान बैठकर अपने राइट हैंड यानी जिनसू को बुलाता है और कहता है कि जाओ उस इंसान को पकड़ कर ले आओ जो दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहा था। जिनसू कहता है कि ठीक है बॉस। जिनसू मिस्टर हान को हाँ तो कहता है लेकिन उसने जो कुछ किया उससे वो काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ ये पता चलता है कि मिस्टर हान के साथ काम करके जिनसू खुश नहीं है लेकिन फिर भी वो मिस्टर हान के लिए काम कर रहा है, ज़रूर कोई वजह होगी। बचपन से लेकर आज तक याओशी ने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया। डैड की वजह से उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन उसने हार नहीं मानी, बहुत मेहनत की ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, कोई उसे बुली ना करे। याओशी बस ये चाहती थी कि वो और शीशी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें लेकिन डैड की गलतियों की वजह से आज शीशी इस दुनिया में नहीं रही। याओशी भागकर बॉक्सेस के पीछे छुप जाती है। जिनसू हर उस जगह को ढूंढ रहा होता है और वहाँ रखे सारे बॉक्सेस को चेक कर रहा होता है। याओशी काफ़ी डरी हुई है कहीं जिनसू उसे पकड़ ना ले। तभी जिनसू उन बॉक्स के पास आकर उन्हें सर्च कर रहा होता है। यहाँ ये पता चलता है कि जिनसू ने उसे देख लिया था लेकिन वो उसे नहीं पकड़ता, वो उसे छोड़ देता है क्योंकि याओशी ने भी उसकी हेल्प की थी। तभी मिस्टर हान कॉल करके पूछता है कि क्या कुछ पता चला, तो जिनसू झूठ कहता है कि नहीं और वहाँ से चला जाता है। याओशी वहाँ से भागकर अपने घर आती है तो उसे वहाँ पर मिस्टर हान के कुछ लोग नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इस घर में दो लोग रहते हैं, यहाँ की छानबीन करो, उसके बाद हम पुलिस को कॉल करेंगे। ये बोलकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। याओशी समझ जाती है कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा, अगर वो यहाँ रहेगी तो शीशी और डैड की तरह मारी जाएगी। वो सोचती है कि मैं तुम सब से रिवेंज ज़रूर लूँगी। फिर लास्ट बार घर को अलविदा बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनसू जा रहा होता है तभी याओशी उसे देखकर छुप जाती है। जिनसू को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर वो पीछे मुड़कर देखने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी उसे याओशी का शेडो नज़र आता है तो वो उसके पास जाकर उसे खींचकर सामने ले आता है और उसका गला दबाने ही वाला होता है तभी वो रुक जाता है क्योंकि वो याओशी को पहचान जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो।
याओशी कहती है कि मेरी फैमिली कहीं चली गई है और मुझे घर जाने से डर लग रहा है, मेरे पास कोई जगह भी नहीं कहीं जाने का। तो जिनसू कहता है कि मेरा इससे क्या लेना देना। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो याओशी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर तुम मुझे उस दिन ना बचाते तो मैं भी मर गई होती। ये सुन जिनसू उसे अपने घर ले आता है। याओशी उसके घर को देख रही होती है और कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी उसे एक पेन ड्राइव नजर आता है। वो कहती है कि वाओ, यहाँ पर भी एक और। तो जिनसू उस पर हाथ रख देता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम इसको हाथ नहीं लगा सकती। तो याओशी कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक है, देखो। जिनसू रूम सेट करने लगता है। तभी याओशी की नज़र फिश पॉट पे पड़ती है। वो जिनसू से पूछता है कि क्या तुम्हें भी फिशेस पसंद है। तो जिनसू कहता है कि ये मेरे नहीं हैं और आज रात तुम यहाँ रुक सकती हो। तभी याओशी की नज़र वहाँ पे रखे फोटो पे पड़ती है जो जिनसू और उसके भाई की होती है। वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है? क्या तुम अकेले रहते हो? क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है? तो जिनसू कहता है कि यहाँ अब कोई नहीं रहता, अब कोई फालतू सवाल मत पूछना जिसका कोई आंसर ही ना हो। ये बोलकर वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी याओशी उसका हाथ पकड़ लेती है। जिनसू पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है तो याओशी फौरन से उसका हाथ छोड़ देती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ रखने का फैसला क्यों किया। जिनसू कहता है कि जैसे वो फिश पॉट में रह रही है ना, तुम भी मेरे लिए वैसी हो। ज्यादा मत सोचो और जाओ सो जाओ। याओशी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जिनसू कहता है कि हाँ बोलो। तो याओशी कहती है कि क्या तुम मेरे घर से मेरा कुछ सामान ला कर दोगे? ये सुन वो उसे देखने लगता है तो याओशी फौरन से उसे अपने घर की कीज दे देती है। जिनसू वो लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओशी अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी उसे शीशी की याद आती है क्योंकि यही वो सीरम था जो उसने अपनी बहन को बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उसे याद करके वो उदास हो जाती है। रात में याओशी सो रही होती है तभी जिनसू उसके रूम में आता है और कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम वही इंसान हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसका गला पकड़ कर दबाने लगता है। याओशी नींद में कह रही होती है कि शीशी मेरे साथ ऐसा मत करो। तो ये सुन जिनसू उसका गला छोड़ देता है और वहीं पर पड़ी अपने और अपने भाई की फ़ोटो उठाकर देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसने अपने भाई को भी गलत काम करने से मना किया था लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। बाद में उसका भी अंजाम यही हुआ, वो मर गया। और उसे मारने वाला और कोई नहीं मिस्टर हान के लोग थे। शायद वो अपने भाई का बदला लेने के लिए मिस्टर हान के साथ काम कर रहा है। ये सब याद करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके शर्ट का एक बटन वहीं गिर जाता है। जैसे ही जिनसू रूम से बाहर जाता है याओशी अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि वो सो नहीं रही थी। जिनसू के सोने के बाद याओशी उठकर उसके कैबिनेट की तरफ जाती है और उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसे एक फाइल नजर आती है जिसमें मिस्टर हान की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जिनसू और मिस्टर हान के साथ में ली गई तस्वीरें भी होती हैं। तो याओशी कहती है कि ये उस आदमी का राइट हैंड है जिसने मेरी बहन को मारा। ये एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वो फाइल बंद करके वापस रख देती है। जिनसू उसकी आवाज़ सुन लेता है और याओशी को अपनी तरफ आता देख वो अपनी आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी याओशी पेंसिल उठाकर उसके पास आकर कहती है कि मैं इनसे अपनी बहन का बदला ज़रूर लूंगी और उसे इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। ये बोलकर पेंसिल से उसे मारने वाली होती है। तभी जिनसू अपनी आंखें खोल लेता है और उसका हाथ पकड़ कर उठ जाता है। याओशी के हाथ से पेंसिल गिर जाती है। जिनसू उसका गला दबा लेता है और उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती थी। याओशी बहुत डरी हुई होती है इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, मुझे बस तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। नेक्स्ट मॉर्निंग याओशी जल्दी उठकर जिनसू के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसके पास ले आती है और कहती है कि मुझे यहाँ अपने घर रखने के लिए थैंक्स, आज से मैं तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाया करूँगी और अब हम रोज़ सुबह यही खाएंगे। जिनसू कहता है कि इसमें क्या स्पेशल है। तो याओशी कहती है कि ये बकेट है, ये बहुत मज़े का होता है, तुम भी ट्राई करके देखो। फिर जैम लगा कर जिनसू को देती है और खुद भी खाने लगती है। जिनसू वो खाने लगता है। याओशी उससे पूछती है कि सुनो, क्या कल रात तुम मेरे रूम में आए थे?
ये सुन जिनसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी रात को जो उसने किया वो याद करने के बाद याओशी से कहता है, नहीं मैं तो नहीं आया था, तुम क्यों पूछ रही हो। याओशी कहती है कि अच्छा, लेकिन मुझे ये बटन मेरे रूम से मिला जब मैं सुबह सोकर उठी, तो मुझे लगा ये तुम्हारा होगा, देखो ये तुम्हारा है ना। जिनसू कहता है कि ओ हाँ, हो सकता है कि कल रात जब मैं रूम सेट कर रहा था तब ये वहाँ गिर गया होगा। वो उसे बटन ले लेता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, चेक किया, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। याओशी कहती है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। ओ हाँ, मुझे याद आया, मैं एक चीज़ भूल गई। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और फेस पर सीरम लगा रही होती है। तभी जिनसू आता है और उसे देखकर कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। याओशी कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं घर में अकेली रह लूँगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं। ये सुन जिनसू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओशी भी घर से निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में याओशी लूजू और मुजू के साथ सीढ़ियों पर बैठकर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही होती है। लूजू कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, मिस्टर हान का पीछा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। याओशी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे हर जगह उसका पीछा करना है ताकि मुझे उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले और मैं अपनी बहन के बारे में रिपोर्ट कर सकूं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। याओशी अपने दोस्तों के साथ उठकर देख रही होती है। एक बंदा जिनसू से कह रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो जिनसू कहता है कि तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से याओशी और उसके साथी ये देखकर हैरान होते हैं। लूजू कहता है कि ये उसको मारने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, तो मुजू कहता है कि हो सकता है ये प्रोफेशनल ना हो। याओशी सोचती है कि ये अपने बॉस के साथ सिंसियर नहीं है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी मिस्टर हान आता है, जिनसू उस बंदे को छोड़ देता है और अपना हाथ दीवार पर मार कर जख्मी कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि उसने उस बंदे को मारा। याओशी लूजू मुजू दोबारा छुप जाते हैं। तभी मिस्टर हान आता है तो जिनसू कहता है कि बॉस आपका काम हो गया। ये सुन मिस्टर हान खुश होता है। तभी वो जिनसू का जख्मी हाथ देखता है तो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ उसे बैंडेज लगाओ। नेक्स्ट सीन में जिनसू मिस्टर हान के साथ पार्किंग एरिया में जा रहा होता है, तभी कोई स्नोबॉल मिस्टर हान की तरफ फेंकता है, तो सही समय पर जिनसू उन्हें प्रोटेक्ट करता है। मिस्टर हान गुस्सा होकर कहता है कि कौन है ये बदतमीज, तुम ऐसे लोगों का ध्यान नहीं रख सकते। तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर हान को मारने वाली और कोई नहीं यांशु थी। वो छुपकर सोचती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो तुम्हारे साथ और भी कुछ होगा। जिनसू मिस्टर हान से कहता है कि आप यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। वो जाकर देखने लगता है कि कौन है जिसने ये हरकत की, लेकिन उसके वहाँ आने से पहले ही याओशी भाग जाती है और उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। लेकिन तभी उसे पोनीटेल मिलता है, जिसे देख उसे याद आता है कि ये पोनीटेल तो सुबह याओशी ने भी पहना हुआ था। शाम को जिनसू घर आता है तो वो देखता है कि याओशी कपड़े हैंग कर रही होती है। जिनसू थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है। याओशी कहती है कि तुम वापस आ गए। जिनसू पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो याओशी कहती है कि मैं तो सारा टाइम घर पर थी, क्यों क्या हुआ। जिनसू गुस्से से लाल होकर उसके पास आकर उससे कपड़े छीन लेता है और उसका हाथ कस कर पकड़ कर कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या तुम पागल हो। याओशी रोने वाले अंदाज में कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिनसू उसका हाथ छोड़ देता है। याओशी पूछती है कि क्या हुआ, किसी ने तुम पर अटैक किया, क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी याओशी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो जिनसू उसे पुश करता है और उसे पोनीटेल दिखाकर कहता है कि ये पोनीटेल तुम्हारा है ना। याओशी कहती है कि हाँ, ये सेम मेरे पोनीटेल जैसा है, लेकिन मैं तो बस फ्लावर्स लेने गई थी बाहर, मुझे और कुछ नहीं पता। ये बोलकर उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जिनसू देखता है कि टेबल पर फ्लावर्स रखे हैं और साथ एक नोट भी, जिसमें याओशी ने लिखा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारोगे। ये सब देख वो गिल्टी फील करता है। याओशी रूम में आकर अपने वाले पोनीटेल निकालती है और उसे देखकर कहती है कि आज तो बाल बाल बच गई, अब तो मैं अपने बालों को कटवा ही दूंगी, तुम किसी काम नहीं रहे, और उस पोनीटेल को उठाकर फेंक देती है। उसके बाद वो अपनी फेवरेट बुक उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद डोर नॉक होता है। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक स्किन केयर बॉक्स रखा है और उस बॉक्स को देखकर वो कहती है कि ये तो वही सीरम है जो मुझे चाहिए था।
याओशी जानती है कि यह बॉक्स उसे जिनसू ने दिया है। वो कहती है कि वो कितना शर्मीला है और उस बॉक्स को देख मुस्कुराने लगती है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है। याओशी को नींद नहीं आ रही, तभी वो अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। याओशी डर जाती है और कहती है कि मैं तो डर ही गई थी। तभी लाइट चली जाती है। वो जिनसू को आवाज़ लगा रही होती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कैंडल लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जिनसू एक कोने में बैठा हुआ है और वो काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसे थंडरस्टॉर्म से डर लगता है। उसे डरा हुआ देखकर याओशी उसके पास जाती है। तभी उसकी नज़र पिक्चर में पड़ती है तो वो समझ जाती है कि शायद वो इंसिडेंट को याद करके डरा हुआ है। फिर वो उसके पास आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, डरो नहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि जिनसू और उसका भाई जो रोज साथ में होते हैं। जिनसू उससे गुस्से से कहता है कि भाई क्या तुम्हें याद है आज क्या दिन है? आज मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। आज के दिन तुम अपने हाथों में हथियार लिए घूम रहे हो। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो जोरो को बुलाते हैं। जोरो जिनसू से कहता है कि मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। जब वो जाने लगता है तो जिनसू उसे रोकता है लेकिन जोरो उसकी बात नहीं सुनता, वो जाने लगता है। जिनसू उसे रोकने की कोशिश करता है तभी उसके हाथ से USB गिर जाती है जिसे उठाकर जोरो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर हान के आदमी जोरो को मार कर वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें ये करने का ऑर्डर मिस्टर हान ने दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जोरो उसे धोखा दे रहा है और उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। वो कहता है कि धोखेबाजी की सजा मौत है। कुछ देर बाद जिनसू को जोरो की बॉडी मिलती है। उसे मरा हुआ देख जिनसू रोने लगता है। प्रेजेंट में ये सब याद करके जिनसू काफी डरा हुआ होता है। याओशी उससे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक है। वो उसे हग करके शांत करने लगती है और पोयम सुनाकर सुला देती है। जिनसू जोरो को याद कर रहा होता है क्योंकि बचपन में जोरो भी यही पोयम सुनाकर उसे सुलाया करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनसू उठता है तो खुद को याओशी के पास सोता देख काफी शॉक्ड होता है। तभी याओशी उठती है। वो उसे कहती है कि उठ गए तुम। जिनसू हैरान होकर पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्या कल रात कुछ हुआ था? ये सुन याओशी उसे मारती है और कहती है कि ये तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात तुम काफी डरे हुए थे और सो गए थे। ओह, मेरे पैर तो फ्रीज हो गए। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। याओशी अपने हैंड वॉश करी होती है तभी पीछे से जिनसू आता है और उसे पुकारता है तो याओशी अचानक से डर जाती है और इस चक्कर में उसके हाथ से फ्लावर वॉस गिर जाता है। जिनसू उसे प्रोटेक्ट करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिनसू के कपड़े गीले हो जाते हैं। याओशी कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो गीले हो गए, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो कपड़े लेकर आती है तो उसकी नज़र जिनसू के चोट पे पड़ती है। जिनसू उसे छुपाने लगता है लेकिन याओशी जबरदस्ती देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। जिनसू कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, बस मामूली सी चोटें हैं और वैसे भी मैं इनका आदी हो गया हूँ। फिर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओशी लूजू और मूजू के साथ होती है। वो काफी परेशान सी लग रही है क्योंकि उसने जिनसू की इंजरी जो देख ली। वो लूजू और मूजू से पूछती है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो चोट खाने के आदी होते हैं और उसी दर्द को सहकर जी रहे होते हैं। लूजू कहता है कि ये तुम क्यों पूछ रही हो, बस अब ज्यादा मत सोचो, वैसे भी हमारे बंदे ने सब पता लगा लिया है। मूजू कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है, मैंने पता लगा लिया है। मिस्टर हान की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मिनहुई है और उसने ये भी पता लगाया है कि उसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बाय करना काफी पसंद है। याओशी कहती है हाँ तो मूजू कहता है कि तुम पहले मिनहुई के करीब जाने की कोशिश करो, इस तरह तुम मिस्टर हान से मिल सकती हो और मेरी एक फ्रेंड है जो तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये बात सुन याओशी काफी खुश होती है और कहती है कि क्या सच में, जबरदस्त। ये कहकर वो कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में याओशी मिनहुई से मिलने चली जाती है कॉस्मेटिक सेलर बनकर। वहाँ जिनसू भी होता है। वो याओशी को देख थोड़ा शॉक्ड होता है। गार्ड याओशी को रोक कर कहता है कि तुम अंदर
अंदर नहीं जा सकती। याओशी कहती है कि मैं मिस हान की ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, उन्होंने हमें अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में प्लान करने के लिए कहा था, तो उनका प्लान रेडी है, बस मैं उन्हें वो देना चाहती हूँ। गार्ड कहता है ठीक है, लेकिन अंदर जाने से पहले आपकी तलाशी लेनी होगी। ये बात कहकर वो जिनसू को इशारा करता है, तो जिनसू आकर उसकी तलाशी लेने लगता है। जिनसू को याओशी के यहाँ आने की वजह मालूम होती है, तो वो उसकी तलाशी लेते वक्त बड़े चालाकी से उसके हाथ में हिडन माइक देता है। याओशी भी वो ले लेती है। उसके बाद वो मिनहुई को ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। मिनहुई कहती है कि ठीक है, मैं आज रात इसे ट्राई करूंगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मिस्टर हान आता है। वो मिनहुई से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आज अपने लिए कुछ लिया क्या? तो मिनहुई कहती है कि जान, मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। याओशी कहती है कि मैं आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं चलती हूँ। मिस्टर हान याओशी को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो याओशी कहती है कि पूरी दुनिया में एक चेहरे वाले बहुत से लोग होते हैं, अगर मिस्टर हान ने मुझे पहचान लिया तो ये मेरे लिए एजाज से कम नहीं। ये बात बोलकर वो बड़ी चलाकी से माइक टेबल के नीचे छुपा देती है और कुछ कहने ही वाली होती है, तभी जिनसू आता है और मिस्टर हान से कहता है कि आपको जिसका इंतजार था मिस्टर चैन आ चुके हैं। फिर याओशी को कहता है तो याओशी वहाँ से चली जाती है। जिनसू याओशी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। याओशी कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो। पर जिनसू गुस्सा होकर कहता है कि बंद करो अपनी बकवास, मिस्टर हान को तुम पर शक हो गया है, इससे पहले कि मामला खराब हो तुम घर चली जाओ। तभी जिनसू को माइक के थ्रू कुछ सुनाई देने लगता है, जहाँ मिस्टर हान चैन से कहता है कि क्या तुमने पता लगाया जो मैंने तुमसे करने को कहा था। चैन कहता है कि ये जो आपका बंदा है जिसका नाम जिनसू है, वो जोरो का भाई है जिसे आपने मार दिया था, और वो लड़की जो अभी यहाँ से गई वो वहीं पर मौजूद थी जब आपने उसके सिस्टर और डैड को मारा था। मिस्टर हान और चैन की बातें सुन जिनसू परेशान हो जाता है, क्योंकि मिस्टर हान को उसके और याओशी के बारे में सब पता चल चुका है। याओशी पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जिनसू उसे परेशान नहीं करना चाहता, तो उसे मुस्कुरा कर यही कहता है कि कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ। वो उसे प्यार से देखने लगता है। जब याओशी जाने लगती है तभी वो पीछे मुड़ती है और जिनसू से कहती है कि मैं घर में तुम्हारा वेट करूंगी। जिनसू मुस्कुरा कर कहता है ठीक है। याओशी जाती है। जिनसू दुखी होता है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो शायद याओशी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। याओशी वहाँ से भाग कर जाने लगती है, तभी कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। मिस्टर हान को सच पता चल चुका है कि जिनसू उसे धोखा दे रहा है। वो उसे पकड़ कर बांध कर रखता है और गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे आए दिन अपनी लाइफ में धोखे मिलते हैं। फिर वो उसे मार कर कहता है कि लगता है तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए मेरे अगेंस्ट एविडेंस सर्च करे हो, ये सब करना बंद कर दो। ये सुन जिनसू हंसने लगता है, तो मिस्टर हान कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलाने और तुम्हें मजबूर करने के। ये बोलकर वो ताली बजाकर याओशी को बुलाता है। मिस्टर हान के बंदे याओशी को पकड़ कर ले आते हैं। उसे देख जिनसू शॉक्ड होता है और मिस्टर हान से कहता है कि इसे जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं। मिस्टर हान कहता है कि मेरे साथ जरा इज्जत से पेश आओ, अगर तुमने इसे उस दिन पकड़ लिया होता तो आज तुम्हें ये सब देखना ना पड़ता। फिर उसे मार्ग कहता है कि तुमने जो मेरे अगेंस्ट प्रूफ जमा किए हैं वो कहाँ है। याओशी जिनसू को इशारा करती है। मिस्टर हान उसे बेदर्दी से मार रहा होता है, तो याओशी चालाकी से उसे नाइफ पकड़ा कर मिस्टर हान से कहती है कि वो सारे एविडेंस मेरे पास हैं। ये सुन जिनसू चिल्लाकर कहता है कि नहीं, तुम वो एविडेंस इसे मत देना। मिस्टर हान हंसने लगता है और याओशी से कहता है कि लाओ वो सारे एविडेंस मेरे हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम सही सलामत यहाँ से जाओगी। याओशी उसे यूएसबी दिखाकर कहती है कि ठीक है, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सेम ऐसा ही यूएसबी याओशी के पास भी था, तो ये वही यूएसबी है। प्रेजेंट में मिस्टर हान याओशी से यूएसबी ले लेता है। याओशी कहती है कि ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, तो वादे के मुताबिक अब तुम मुझे जाने दो। याओशी उसे बातों में उलझाने लगती है, वहीं जिनसू कोशिश करता है रस्सी काटने की। एविडेंस मिलने के बाद मिस्टर हान हंसने लगता है और याओशी को पकड़ कर कहता है कि छोटी बच्ची तुम बड़ी सीधी सादी सी हो, और वैसे भी प्रॉमिस को पूरा करना मेरी आदत नहीं।
इसकी ये बात सुनी याओ शी भी मुस्कुरा देती है। मिस्टर हान पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तो याओ शी कहती है कि मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। तुमने देखा तक नहीं जो मैंने तुम्हें USB दी है वो असली है भी या नहीं। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो USB नकली है, उसमें कोई एविडेंस नहीं। ये सुन मिस्टर हान उसका गला दबाने लगता है, तभी पीछे से जिनसु अपने हाथ खोलकर मिस्टर हान को धक्का दे देता है। तभी मिस्टर हान के लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनसु याओशी को बचने के लिए भागने को कहता है। याओशी वहां से भागकर चली जाती है। जिनसु सबको मारकर वहां से जाने लगता है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। तभी मिस्टर हान पीछे से बोतल लाकर जिनसु के सर पर दे मारते हैं, जिससे जिनसु बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जब वो जमीन पर गिरता है तो मिस्टर हान उसे पकड़कर उसे मारने लगता है। तभी जिनसु मिस्टर हान के पेट में छुरा घोंप देता है और कहता है कि ये जोरो की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये बात कहकर वो हंसने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याओशी जिनसु को याद करके कहती है कि उस दिन के बाद से जिनसु हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चला गया, बस मेरे लिए सिर्फ ये लेटर छोड़ गया। तभी दिखाया जाता है कि जिनसु लेटर लिख रहा होता है, उसमें लिखा होता है कि जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं तुम्हारी लाइफ से जा चुका होगा। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी लाइफ काफी उदास थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी वो उदासी दूर हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बहुत जल्दी भूल जाओगी। याओशी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ नई सिरे से स्टार्ट करो, स्कूल जाओ, नए दोस्त बनाओ, जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सका वो तुम करो। लेटर के साथ साथ वो याओशी के लिए कुछ पैसे भी छोड़ गया ताकि वो उसके काम आ सके। प्रेजेंट में याओशी को यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है, जैसा जिनसु ने लेटर में लिखा था वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करे वो वैसा ही करती है। लेकिन वो बड़ी उदास होकर खुद से कहती है कि जैसा उसने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर वो जिनसु की तस्वीर देखकर सोचती है कि मैं उसे भुला नहीं पा रही, मैं बस उसके बारे में ही सोची जा रही हूँ। जब याओशी घर आती है तो तभी उसकी नज़र वहीं रखे ब्यूटी प्रोडक्ट पे पड़ती है, जिसे देख वो सोचती है कि ये किसने भेजा होगा। तभी उसे याद आता है कि सेम यही बॉक्स जिनसु ने पहले भी उसे गिफ्ट दिया था। इसका मतलब जिनसु यहीं उसके आसपास मौजूद है, शायद वो इसलिए उसके सामने नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वो खुद को उसकी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।